नमस्कार दोस्तों, सीजी सरकारी जॉब यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के दो जिलों में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिए गए, जिसके अंतर्गत दोस्तों शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए। 8वीं, 10वीं, 12वीं स्नातक पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को पूरी डिटेल से जुड़ों में इसी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप लोग अभी तक चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाया, ताकि ऐसी काम की वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला विज्ञापन जारी किया काला जिला आयुर्वेद अधिकारी जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ के द्वारा, जिसके अंतर्गत 200 योग सहायक के एक पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए 8वीं पास, और प्रतिमाह आप लोगों को वेतन दिया जाएगा 8,000 रुपये। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं वे 30 सितंबर 2022 शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों बेहद ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, अगर आप लोग योग सहायक के लिए आवेदन कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, तो योग सहायक का कार्य दिया गया है यहाँ पर, आप लोगों को क्या कार्य करना है यहाँ पर डिटेल से विस्तार पूर्वक बताया गया है। और न्यूनतम आयु होना चाहिए 18 वर्ष और अधिकतम आयु होना चाहिए 35 वर्ष। दूसरा विज्ञापन जारी किया काल मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जिला बलरामपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा, जिसके अंतर्गत दोस्तों स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे 29 सितंबर 2022 शाम 5:30 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों आप लोग यहां पर पद का नाम देख सकते हो, कौन कौन सा पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। खंड कार्यक्रम प्रबंधक, NM, चिकित्सा अधिकारी, क्लीनर, OT टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर संगवारी, इम्यूनाइजेशन फील्ड वॉलंटियर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, आया, सचिविक सहायक, सिक्योरिटी गार्ड, लैब टेक्नीशियन। तो दोस्तों इन विभिन्न पदों पर भर्ती किया जाएगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये बातें मैं आप लोगों को इस वजह से बोल रहा हूँ ताकि कोई भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों से ना छूटे, आवेदन करते समय आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता और आप लोगों को प्रतिमाह वेतन कितना दिया जाएगा। खंड कार्यक्रम प्रबंधक को प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा 26,000 रुपये। शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए MBA या फिर MSW किया हुआ होना चाहिए मिनिमम 55% अंकों के साथ। NM के लिए शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए 12वीं पास, इसी के साथ NM पास होना चाहिए और प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा 12,000 रुपये। चिकित्सा अधिकारी को प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा 25,000 रुपये। दोस्तों आप लोग यहां पर शैक्षणिक योग्यता देख सकते हो क्या मांगा गया है। क्लीनर को प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा 8,800 रुपये, शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए 8वीं पास। OT टेक्नीशियन के लिए शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए 12वीं पास होना चाहिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स से, और इसी के साथ OT टेक्नीशियन फार्मेटिकल कोर्स किया हुआ होना चाहिए। प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा OT टेक्नीशियन को 14,000 रुपये। स्टाफ नर्स को प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा 16,000 रुपये, शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए BSc नर्सिंग किया हुआ होना चाहिए या फिर GNM कोर्स पास होना चाहिए। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर संगवारी को प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा 13,500 रुपये, शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए स्नातक ग्रेजुएट पास होना चाहिए, इसी के साथ PGDCA का कोर्स किया हुआ होना चाहिए। इम्यूनाइजेशन फील्ड वॉलंटियर्स को आप लोग यहाँ पर देख सकते हो शैक्षणिक योग्यता क्या मांगा गया है। इसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट को प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा 18,000 रुपये, शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी से किया हुआ होना चाहिए। आया को प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा 8,800 रुपये, शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए 8वीं पास। सचिविक सहायक के लिए शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए ग्रेजुएट होना चाहिए, इसी के साथ 1 साल का कंप्यूटर कोर्स किया हुआ होना चाहिए। प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा 13,650 रुपये। सिक्योरिटी गार्ड को प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा 10,000 रुपये, शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए 10वीं पास। और भी यहाँ पर अन्य योग्यता दिया गया आप लोग यहाँ देख सकते हो। लैब टेक्नीशियन को प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा 14,000 रुपये, शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए BMLT कोर्स किया हुआ होना चाहिए, इसी के साथ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल से, या फिर आप लोग यहाँ पर अन्य योग्यता दिया गया आप लोग यहाँ देख सकते हो। और इन पदों के लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए 18 वर्ष और अधिकतम आयु होना चाहिए 64 वर्ष। अब दोस्तों बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया के बारे में। आप लोग यहां पर देख सकते हो डिटेल से जानकारी दिया गया है किस प्रकार से आप लोगों का चयन किया जाएगा, परीक्षा होगा या नहीं होगा, यहां पर डिटेल से बताया गया है।
तो दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी था वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर आप लोगों को इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो इन दोनों विज्ञापनों का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहाँ पर जाके डाउनलोड करके संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और इन विज्ञापनों से संबंधित या फिर अन्य भर्तियों से संबंधित अगर आप लोगों के पास कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।